हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोराइड XeF6। डियर स्टूडेंट, ज़ीनॉन इज़ अ नोबल गैस। आप सबको पता है ज़ीनॉन एक नोबल गैस है और नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनका ऑक्टेट फुलफिल होता है। ज़ीनॉन अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को XeF6 में किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है। देखिए, XeF6 में ज़ीनॉन ने फ्लोरीन के साथ बनाए हैं 6 कोवलेंट बॉन्ड। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, सबको पता है, यानी कि फ्लोरीन बनाएगा एक एटम, एक सिंगल बॉन्ड ज़ीनॉन के साथ। तो इस तरह से ज़ीनॉन ने अपने वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया कोवलेंट बॉन्डिंग में, किसके साथ, फ्लोरीन एटम के साथ। अब बचे 8 माइनस 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। वो रहेगा एज अ लोन पेयर। कैसे रहेगा, एज अ लोन पेयर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड बनाने में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, और जिन ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है वो भी कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यानी कि XeF6 में ज़ीनॉन ने 6 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक उसके पास लोन पेयर है। तो इस तरह से ज़ीनॉन के पास टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, 7। क्यों है, क्योंकि ज़ीनॉन ने 6 तो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक क्या है उसके पास, लोन पेयर। ये ज़ीनॉन की कंडीशन है। अब 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, वन एंड ओनली sp3d3। 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d3। अब आप बोलेंगे सर ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ कैसे, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ज़ीनॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूँ ज़ीनॉन क्रिप्टन के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं, 4d10। इसके बाद 5s2 5p6। ये ज़ीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्रिप्टॉन के जितने तो इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ हैं, और क्रिप्टॉन के बाद अगर हम बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 4d10 5s2 5p6। अब भाई ये जो 4d10 है ये तो आउटर मोस्ट शेल है नहीं। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 5th शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में 2 और पी में कितने हैं, 6। टोटल कितने हैं, 8। 5d खाली पड़ा है, 5d जो है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ 5p से 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करके कहाँ चले जाते हैं, 5d में। तो इस तरह से अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 5s2 5p3 5d3। और ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करेगा 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा। 5s का एक ऑर्बिटल, 5p के कितने, 3 ऑर्बिटल, और 5d के 5 में से कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, sp3d3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, ये आप एक फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन कई बार निकालते हैं तो फॉर्मूला से भी देख लीजिए। फॉर्मूला होता है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। फिर आता है कि उसके साथ मोनोवेलेंट एटम्स कितने जुड़े हुए हैं, तो ज़ीनॉन के साथ यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम्स कितने जुड़े हुए हैं, 6। फिर आता है कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो XeF6 में ना तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम माइनस करते हैं, और नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, तो 8 तो इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके साथ मोनोवेलेंट एटम जुड़े हैं, फ्लोरीन चार्ज कोई है नहीं, वरना प्लस होता तो माइनस और माइनस होता तो प्लस, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये हमारे पास आता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, क्या आता है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं, 7। अब डियर स्टूडेंट, sp3d3 अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, VSEPR थ्योरी बोलती है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, वो बोलती है पेंटागोनल पाइपिरामिडल। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आए कि VSEPR क्या बोलता है sp3d3 में, तो वो बोलता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। लेकिन यहाँ पर 7 के 7 सिग्मा बॉन्ड नहीं है,
अगर 7 सिग्मा बॉन्ड होते तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल बिल्कुल सही था, जैसे IF7 में पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो सकता है क्योंकि वहाँ पे 7 फ्लोरीन एटम है कोवलेंट बॉन्ड से। यहाँ तकलीफ क्या है, यहाँ दिक्कत ये है कि 6 कोवलेंट बॉन्ड हैं और एक क्या है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है, इन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब करता है। अगर ये लोन पेयर नहीं होता, 6 कोवलेंट बॉन्ड होते तो शेप कैसी हो जाती, ऑक्टाहेड्रल हो जाती। कैसी हो जाती, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इस लोन पेयर ने आकर के उस ऑक्टाहेड्रल को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, उसमें रिपल्शन लगाया, उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो अब जो ज्योमेट्री बनी है या जो शेप बनी है, उस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये जो शेप यहाँ पे इसके डिस्टर्बेंस से बनकर के आई है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन कोई बोले कि भैया VACPR के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए था, तो आप क्या बताएंगे, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। लेकिन रियल में यहाँ पर प्रैक्टिकली जो शेप निकल के आई है वो कैसी है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कारण क्या है, ये लोन पेयर। तो आई होप स्टूडेंट्स XCF6 आपको समझ में आया होगा। मैंने ज़ीनोन के सभी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पे वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।